नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, दिसंबर और जनवरी के महीने के बाद जैसे ही पेडी गन्नों के खेत खत्म होंगे, किसान अपने नए सत्र के लिए, नई बुआई के लिए तैयारी शुरू कर देंगे खेतों की। लेकिन इस बार भी किसान के सामने वही सवाल खड़ा हुआ है जो पिछले कई सालों से खड़ा है कि कौन सी गन्ना वेराइटी की हम बुआई बढ़ाएं। किसान साथियों, पिछले कई सालों में किसानों को नई नई प्रजातियां दी गई, लेकिन किसानों को कोई भी वैरायटी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। किसान भाइयों, इस क्रम में 15023, 14201, 13235 और 17231 पिछले 2-3 साल के अंदर किसानों को दी गई और महंगे महंगे बीज किसानों को मिले। किसान दूर दूर से अपने आप भी बीज लेके आए, जिसमें किसानों का बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन किसी भी प्रजाति ने किसान को इस तरीके से संतुष्ट नहीं करा जिस तरीके से 0238 वैरायटी किसानों को संतुष्ट कर चुकी है। क्योंकि किसान साथियों, खेती के खर्चे बढ़ चुके हैं, ठेके बढ़ चुके हैं जमीनों के, उसी हिसाब से जिस हिसाब से गन्ना निकलता था, लेकिन ये प्रजातियां उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर रही, उतना उत्पादन नहीं दे पा रही। और जैसा मैंने कहा, इसीलिए किसान के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है कि किस वैरायटी की बुआई करें। किसान साथियों, वैसे तो हमारे पास पहले से पास भी कुछ प्रजातियां हैं, वो भी किसान को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाई, इसीलिए किसान ने उनकी बुआइयां भी थोड़ी थोड़ी करके बीच में ही रोक दी। जैसे 98014 है, जिसमें रोग तो कोई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त गन्ना है इसका, इसीलिए किसानों ने इसको भी फेल करा। 8272 है हमारे पास, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्याँत आ जाता है, गन्ना पतला रह जाता है। 5125 है, उसको कुछ किसान अच्छा बताते हैं और कुछ किसान उसको भी अच्छा नहीं बताते। तो 0238 के सामने कोई ऐसी प्रजाति अभी किसान को नहीं मिली जिससे किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो और उसकी बुआई बढ़ा सके। किसान साथियों, इन सब वैरायटियों के बाद अब जो लेटेस्ट वैरायटी किसान के लिए निकाली गई है, उसमें 16202 है और 18231 है। आपने देख लिया 15023, 14201, 13235, 17231 या और भी कई वैरायटियां इधर उधर से ला के आपने बोली होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वैरायटियों पे बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। कोई भी वैरायटी अगर किसान के लिए पास होती है, उसकी थोड़ी थोड़ी बुआई करें, बहुत ही थोड़ी, और स्वयं उसका 3 साल में बीज तैयार करें। जब तक कोई भी बीज आपके पास कोई बीज अच्छा प्रदर्शन ना करे, तब तक उसकी बुआई आगे ना बढ़ाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम नए बीजों की बुआई ना बढ़ाएं तो किस बीज की हम बुआई करें। किसान भाइयों, मैंने पिछली कई सारी वीडियो में भी बताया कि फिलहाल 0118 जो गन्ना वैरायटी है, वो किसान को अच्छा उत्पादन दे रही है। ये 0238 के लगभग साथ ही आई थी वैरायटी, और अभी इसमें इतना रोग नहीं है, इसने मिट्टी को भी पकड़ रखा, और जो भी किसान इसे लगा रहे इस समय पे, वो 0238 जितना ही उत्पादन इससे ले पा रहे हैं। इसका बीज भी आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं वीडियो डालूंगा जब बुआई का समय आएगा, आप बिल्कुल मिल के भाव पे ही इस वैरायटी को ले सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, 16202 का भी बीज आपको मिलेगा, 18231 का भी बहुत आसानी से बीज आपको मिलना शुरू होगा, और ये जो पुरानी वैरायटियां हैं इनका तो आपके पास बीज है ही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको सस्ता बीज मिले तब आप इनकी बुआई करें। और किसान भाइयों, अगर आप लगाना चाहते हैं तो 200-400 आँखों से ही आप आसानी से 3 साल में बीज अपने पास बहुत मात्रा में तैयार कर लेंगे, बड़े लेवल पे अपना पैसा खर्च ना करें। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से जो ये नए बीज भी देखे हैं, अभी मैं भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई ये भी नई प्रजातियाँ किसानों को अच्छे प्रकार से उत्पादन दे पाएगी या नहीं। इसलिए ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद ना करो, हाँ हमारे पास जो पुरानी वैरायटियाँ हैं उनकी बुआई करें। अब एक बात आती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ अलग अलग क्षेत्रों की हैं, अगर थोड़े दिन के लिए किसानों को वो दे दी जाए बुआई के लिए, 2-4 साल तो कोई बुराई नहीं है। ऐसी ही कुछ प्रजातियाँ जो किसान के पास अच्छी हो रही हैं और जिनमें रिकवरी भी अच्छी है, अब ये समय आ चुका है कि किसान को आज़ाद कर देना चाहिए कि भाई अगर वैरायटी में रिकवरी अच्छी आती है तो आप उसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम कुछ सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर 0118 की बुआई कर रहे हैं तो कूड़ी के खाद का
हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाएंगे और मिट्टी पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रोग निश्चित रूप से कम आएंगे। मैंने ये भी देखा कि कुछ किसान आज भी 0238 को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, रोग के बावजूद भी। उनका कहना यह है कि जितनी भी नई वैरायटी आ रही है इनसे ज़्यादा तो 0238 आज भी निकल रहा है, खराब होने के बावजूद भी। और कुछ किसानों ने सुधार करे, जैसे कूड़ी के खाद का और मल्चिंग करी अपने खेतों में, जीवामृत वगैरह चलाया, उनके खेतों में रोग बहुत कम आया 0238 में, और उन्होंने इस प्रैक्टिस को बढ़ाने की बात करी है कि भाई हम तो कूड़ी का खाद और मल्चिंग वगैरह और जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करके अभी इसी की बुआई करेंगे 0238 की। तो किसान साथियों, हम थोड़ा सा सुधार करें, हमें ऐसी वेराइटी इस समय पर चुननी है जो किसान को उत्पादन देने की क्षमता रखती हो। किसान साथियों, 13235 आप जानते ही होंगे, एक थोड़ी सी वैरायटी ये ही चली किसानों के बीच में जितनी भी वैरायटी आई थी, लेकिन अब जब इसके रुझान आ रहे हैं तो किसानों का ये कहना है कि उत्पादन में या वेट में ये भी 0238 के आसपास भी नहीं ठहरती, इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है 13235 से भी। तो यही परेशानी किसान के सामने है कि भाई हम कौन से बीज की आगे बुआई करें। तो मैं तो कहूँगा अपनी तरफ से कि 0118 लगाओ किसान भाइयों, थोड़ा थोड़ा बीज लेके बीज अपने पास तैयार करें। जब हम थोड़े बीज से गन्ना तैयार करते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है अपने पास ही 3 साल में कि वैरायटी कैसा प्रदर्शन करने वाली है, इसको हमें आगे बढ़ाना है या नहीं। दूसरा जो बीज बेचने वाला है किसान साथियों, वो क्या कर रहा, क्या लागत दे रहा, उसने ट्रेंच में गन्ना लगाया, उसे बीज बेचना है, वो अपनी जाने। आप अपने पास गन्ने को तैयार करें, 2 साल में 3 साल में जब आपके पास वैरायटी पकड़ बना ले अच्छे से, तब आप निर्धारित करें कि आपको ये गन्ना बढ़ाना है नहीं, और बीज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, थोड़ी थोड़ी आंखें लेके ही बीज तैयार करें, आगे के लिए अपने पास बीज बनाएं। धन्यवाद।